वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जो कि अब धीरे धीरे लोगों के लिए सामान्य नहीं रह गया है। एक समय था जब इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका बहुत महत्व था और लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई लोग इसे भूलते गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसने भी अपने आप को डेवलप किया और समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस जो हमारे इंडिया के हैं उनके बारे में, इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से यह काम करता है और इसने कैसे अपने अंदर चेंजेज लाए, इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आप सब जानते हैं भारतीय डाक यह एक विभाग है हमारे भारत देश का जो कि लेटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। 10 साल पहले तक इस पोस्ट ऑफिस का बहुत रोल था, लोग लेटर्स भेजते थे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, लेकिन समय बीतता गया और मोबाइल ने हम सबके घरों में अपना घर बना लिया। और टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते कदम के कारण कहीं ना कहीं पोस्टल सर्विसेज पर असर पड़ गया था, लेकिन पोस्टल सर्विसेज को अपडेट किया गया, इनको भी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया और आज स्थिति ये है कि इंडियन पोस्टल सर्विस बिल्कुल हमारे इंडियन बैंक के पैरेलल अपनी शाखाएं चलाते हैं और काम करते हैं। सभी बच्चों ने डाकघर तो अवश्य देखा होगा, परंतु प्रत्येक डाकघर के बाहर एक लेटर बॉक्स होता है, आप सब जानते हैं, और जिसका रंग प्रायः रेड कलर का होता है। आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी पोस्ट ऑफिस के बाहर चले जाइए, पोस्ट ऑफिस के पास चले जाइए, तो उसके बाहर एक इस तरह का लेटर बॉक्स जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी पोस्ट ऑफिस होते हैं वह इसका जो संचालन है वो सेंट्रल से होता है, ठीक है। और जिनमें अनेक कर्मचारी कई काम करते रहते हैं, आपने देखा होगा अगर कभी आप पोस्ट ऑफिस के अंदर गए होंगे तो वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि कई काउंटर बने होते हैं, अलग अलग काउंटर पर अलग अलग काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी पर पोस्ट कार्ड अंतर्देशी और किसी पर जो है फॉरेन लेटर और सिंपल जो हमारा इन्वेलप होता है उसको बेचने की भी खिड़कियां होती हैं। इसके अलावा डाक टिकट के लिए अलग से खिड़कियां होती हैं, खिड़की के अंदर बैठा कर्मचारी जो है वह पैसे लेता है और जितने का टिकट आपको चाहिए उतने का टिकट आपको दे देता है। इस प्रकार की और भी जो विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं, वहाँ पर अलग अलग कर्मचारी बैठे होते हैं, कोई रजिस्ट्री का काम करता है, कोई मनी ऑर्डर करता है, कोई सेविंग बैंक के लिए पैसे लेता देता है, तो कोई अन्य प्रकार के कार्य करता है। बड़े डाकघर में डाक छाटने के लिए भी कार्य होते हैं। बच्चों, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस से हमें बहुत फायदा होता है। देश या विदेश में बैठे संबंधियों को हम थोड़े से पैसे खर्च करके अपना समाचार दे सकते हैं, अपने बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं और उनसे उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कितना इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है, इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। रुपए पैसे या कोई भी सामान अगर हमको भेजना है तो हम मनी ऑर्डर और पार्सल के थ्रू उसे देश में या विदेश में कहीं भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं।
अपने पास बचे रुपयों को डाकघर के सेविंग बैंक में जमा कर हम चोरी आदि के भय से भी बच जाते हैं। अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस क्या होता है बैंक की तरह आपके अकाउंट ओपन करते हैं और ये भी पैसे जमा करते हैं और उस पैसे पर इंटरेस्ट देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और दूसरी चीज़ आपके पैसे भी सेफ रहे, उसको कोई चोर न चुरा ले जाए। ठीक है बच्चों, आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से आप जब चाहे तब अपना रुपया निकाल सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रकार डाकघर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जो पोस्ट ऑफिस है में किसी भी काम के लिए जाने पर हमें वहाँ शोरगुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जगह अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उपस्थिति से किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। हमें जो भी काम काज करवाना है सही ढंग से लाइन में खड़े होकर करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ लोग लाइन में नहीं हैं, लेकिन हम सबको लाइन में खड़े होकर अपना काम कराना चाहिए। किसी प्रकार का बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए कि भाई हमारा काम जल्दी कीजिए। बच्चों, जो पोस्ट ऑफिस होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। आपको पता है हमारे देश में दो गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पोस्ट ऑफिस उसके द्वारा ही चलाया जाता है। जो हमारे पोस्ट ऑफिस का मेन काम है आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक स्लाइड लगाया है, अलग अलग जो डाक टिकट हमारे यहाँ बिकते रहे हैं उनका, ये देखिए ये डाक टिकट का अलग अलग रेट है और आपको अगर एक टिकट लेना है तो उतना रुपया आपको पोस्ट ऑफिस को पे करना पड़ता है। और उसके बाद आप जो पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी लेते हैं उस पर इस डाक टिकट को पेस्ट कर देंगे तो आपका लेटर जहाँ आपको भेजना है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको मैंने बार बार बताया कि जो भी लेटर होता है हम कोई भी मैटर लिखते हैं उसको हम ले जाकर पोस्ट बॉक्स में ही जमा करते हैं। इसके बाद बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस है उसका मेन काम क्या होता है, लेटर्स को, बीमा से रिलेटेड लेटर्स को, रजिस्टर्ड डाक को और मनी ऑर्डर को, ठीक है, पोस्ट कार्ड लिफाफे और टिकटों को बेचना, ये सब मेन काम है पोस्ट ऑफिस का। हर शहर और यहाँ तक कि दूर दूर तक के गांव में इन चीज़ों को स्वीकार करने और वितरण करने के लिए पोस्ट ऑफिस होता है। आप कहीं भी जाइए, अपने गांव पर भी जाएंगे तो आसपास के किसी गांव में एक पोस्ट ऑफिस ज़रूर होगा जो कि किसी भी तरह का लेटर हमारा आता है, चाहे हमारे रिलेटिव भेजते हों या किसी कंपनी द्वारा आता है तो वह हमारे घरों तक आता है। अब यहाँ देखिए लेटर बॉक्स में क्या होता है, लेटर रखे होते हैं। इन लेटर्स को जो पोस्टमैन होता है वह यहाँ पर सबसे पहले तो लेटर्स को निकाल कर पोस्ट ऑफिस के अंदर, कई देखिए ये आलमीरा बनी होती है, पार्ट्स होते हैं, इन भागों में अलग अलग स्थानों का जो लेटर है वो रख दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जब लेटर रख दिया गया तो आपके जैसे सभी के कॉलोनी या गांव के लिए अलग अलग पोस्टमैन डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो जिस गांव का है उस गांव का लेटर उठा लेगा पोस्टमैन और फिर अपने बैग में रखकर इस तरह से हमारे घरों तक पोस्टमैन आकर हमें पहुंचा जाता है। और बच्चों ये तो पोस्टमैन हुआ, और पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे हमारे स्कूलों में एक प्रिंसिपल होते हैं ना, बाकी सभी लोग टीचर होते हैं, तो इसी तरह जैसे वहाँ प्रिंसिपल मैनेज करते हैं स्कूल को, उसी तरह पोस्ट ऑफिस को मैनेज करने के लिए पोस्ट मास्टर होते हैं ऑफिस में, ठीक है। वो पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो पोस्टमैन लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई अपना अपना काम आप लोग ईमानदारी से कीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हमें समझ में आ गया होगा क्या क्या इम्पोर्टेंस है पोस्ट ऑफिस का, फिर भी आप एक बार सुन लें छोटे से रिकैप्चुलेशन में कि कोई भी पोस्ट ऑफिस बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है।
या हमारे लेटर और पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ही कम पैसे लेते हैं, और हम इनके माध्यम से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ संपर्क में बने रहते हैं जो कि बहुत दूर दूर के स्थानों पर रहते हैं। हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड लेटर, बर्थडे के शुभकामना, पार्सल, मनी ऑर्डर कुछ भी हम आसानी से भेज सकते हैं। बच्चों, जब हम लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट करते हैं तो जो ये डाकिया होता है, पोस्टमैन को डाकिया कहते हैं, यह पोस्टमैन उन लेटर्स को एकत्र कर लेता है और उन उन स्थानों पर भेज देता है जहाँ के लिए लेटर लिखे गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि पोस्टमैन दिन पूरे मतलब दिन हमारे लिए हार्ड वर्क करते रहते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग जिनके घर मोबाइल हो गया है, अब सीधे हम फ्रेंड्स और रिलेटिव से फ़ोन से बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों हमें कभी कभी लेटर भी लिखना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन के नए नए तरीके आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे जो पोस्टमैन काम कर रहे हैं, जब इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, तो उन्हें हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। बच्चों, छुट्टियों पर किसी फ्रेंड से पोस्ट कार्ड प्राप्त करने या जन्मदिन की शुभकामना प्राप्त होने पर जो उनको आनंद मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप भी कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लेटर भेजा कीजिए। जो पोस्ट ऑफिस है, आप जान रहे हैं कि वह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है, और वह कई तरीक़ों से हमारी मदद करता है। बच्चों, जो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है के माध्यम से हम अपने पत्र यानी लेटर किसी को भी भेज सकते हैं और दूसरे का लेटर हमको आसानी से मिल जाता है। यह भारतीय डाक विभाग की एक जो है ब्रांच है, ठीक है बच्चों। पहले जो पोस्ट ऑफिसेज नहीं होते थे या इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन समय के साथ इसकी मांग बढ़ी और इसके ब्रांचेज पूरे इंडिया में जगह जगह स्थापित कर दिए गए। बच्चों, जाते जाते अंत में मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो पोस्ट ऑफिस है वो हमारे लेटर और पैसे दोनों को बचाने के लिए, भेजने के लिए और एक दूसरे से बात करने के लिए लेटर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोस्ट ऑफिस की भूमिका हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने बीमारी के लिए कुछ जो है सेविंग वाले प्लान्स भी बना रखे हैं, जो कि जैसे कोई पर्सन अगर बीमार है या फिर रिटायर हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत से सेविंग के तरीके बनाए गए हैं पोस्ट ऑफिस में, जिसके थ्रू आप अपने पैसों को भी बचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मतलब डाकघर के थ्रू हमको बहुत से रास्ते मिल जाते हैं जिससे हम अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब चाहें अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पोस्ट ऑफिस हमारे देश के लिए बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूँ बच्चों कि हमारे पोस्ट ऑफिस में अगर बड़े बड़े शहरों में आप जाएँ तो आप पोस्ट ऑफिस के बाहर केवल रेड कलर का पोस्ट बॉक्स नहीं देखेंगे, कई कलर के पोस्ट बॉक्स हमको दिखाई देते हैं बच्चों। तो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के पोस्ट बॉक्स हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा मतलब हमें समझ लेना चाहिए। बच्चों, यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि रेड कलर वाला जो पोस्ट बॉक्स होता है, इसमें उस लेटर को पोस्ट किया जाता है जिसको दूर कहीं भेजना है, यानी अपने उसी शहर में वह लेटर नहीं जाएगा, उस शहर के बाहर कहीं हमको भेजना है, तो इस तरह का लेटर, ऐसे एड्रेस वाला लेटर इस रेड बॉक्स में होता है। रेड बॉक्सेज आर मीन्ड फॉर कलेक्शन ऑफ मेल्स विच आर नॉट लोकल। उसके बाद बच्चों, जो ब्लू बॉक्स है उसमें, इसमें उन लेटर्स को पोस्ट किया जाता है बच्चों
जिनको मेट्रो सिटीज भेजना होता है। मेट्रो सिटीज का मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में अगर लेटर हमको भेजना है कहीं वहाँ का एड्रेस है, तो हम उस लेटर को ब्लू बॉक्स में पोस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन जो बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स में देखिए ब्लू बॉक्सेज का हमने बता दिया, ब्लू बॉक्सेज आर मीन्ट फॉर कलेक्शन ऑफ मेल्स एड्रेस टू मेट्रो सिटीज। ग्रीन बॉक्सेज में क्या होता है, आर मीन्ट फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल मेल्स। ग्रीन वाले में हमको लोकल मेल्स, यानी अगर हमको अपने ही शहर में किसी को लेटर लिखना है तो इस तरह का लेटर हम ग्रीन बॉक्स में पोस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ग्रीन बॉक्स में इस तरह का लेटर पोस्ट करते हैं जो कि हमारे शहर में ही हमको भेजना है किसी को, बहुत दूर नहीं भेजना है। फिर बात आती है एलो बॉक्सेज। एलो बॉक्सेज आर मीन्ट फॉर कलेक्शन ऑफ मेल्स एड्रेस टू ऑल कैपिटल सिटीज। जो ये ब्लू वाला था मेट्रो सिटीज के लिए, और येलो वाला क्या है कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश में, उन शहरों में अगर हमको किसी को लेटर भेजना है अपने शहर से, तो वो सारे लेटर्स को हम येलो बॉक्स में पोस्ट करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, ग्रीन बॉक्स में लोकल एड्रेस वाला लेटर जो कि आपको अपने शहर में ही या आसपास ही भेजना है। उसके बाद आपका रेड वाले में वो सारे लेटर्स आते हैं जिनको आपको दूर के किसी शहर में भेजना है, दूसरे स्टेट में भेजना है, जो कि लोकल नहीं होते। उसके बाद ब्लू में आपको वो लेटर्स पोस्ट करने होते हैं जिनको हमको मेट्रो सिटी में भेजना है, ठीक है, दिल्ली मुंबई वगैरह में। और येलो वाले में हम वो लेटर्स को पोस्ट करते हैं जिनको हमको कैपिटल सिटीज, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं हमारे देश की, वहाँ के एड्रेस पर अगर हमको लेटर भेजना है तो उस लेटर को हम येलो बॉक्सेज में इंटर करेंगे, पोस्ट करेंगे। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को अब पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत कुछ जानने सीखने को मिल गया होगा, और आप अब बहुत अच्छी तरह से किसी को भी पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस के काम के बारे में और इन लेटर बॉक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अगर आप लोगों को यह चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।